Hey guys, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे कि श्रद्धा कब से बोल रही है कि मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करी है और आप सबके साथ शेयर भी करूंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट इसी वजह से हुआ था क्योंकि दो चीजें अभी आनी बाकी है। क्योंकि जब कभी मैं चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग लिंक मांगते हो और अगर मैं उन प्रोडक्ट को अलग अलग वीडियो में बताऊंगी ना, तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि ये चीज मैंने किस वीडियो में आपको बताई थी। तो मैं सोच रही थी कि प्रॉपर वीडियो बनाऊं, ताकि अगर आप जो नए नए होते हैं ना सब्सक्राइबर, तो वो मुझे पूछते हैं कि दीदी इसका लिंक कहाँ है, हमको लिंक चाहिए। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ताकि अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं उस वीडियो का लिंक उनको दे दूंगी। तो ये मेरा इंटेंशन था, लेकिन मैंने सोचा चलो अब मेरे से भी वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने ओपन कर ली और कुछ चीजें ऐसी जिसकी मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं करी। मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग करूं, ठीक है। तो ढेर सारी चीजें, कितने सारे पार्सल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, टोटल 9 पार्सल मैंने मंगाए हैं और अभी 2 और आने बाकी है। तो मतलब 9 चीजें मैंने मंगाई, बाकी आने भी बाकी है। और हाँ, एक तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, ये जो वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जितनी भी चीजें मंगाई है वो सब मैंने अपने खुद के पैसों से मंगाई है, ठीक है। तो जो रिव्यू आपको मिलेगा वो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू हो रहेगा, ठीक है। सबके मैं रेट भी बताऊंगी, रेट आपको स्क्रीन पर दे दूंगी और बाकी इसके जो प्रोडक्ट के लिंक रहेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं जल्दी से आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला जो बॉक्स है ना, वो ही ओपन करते हैं। छोटू सही है तो मैं भूल ही गई हूँ, 9 नहीं थे ये, टोटल कितने थे, 10 और अभी 2 आने बाकी है। ये छोटू सा कहीं छुप गया था। वाओ, तो ये मैंने एक मंगाया है चकला और बेलन रखने के लिए, चकला बेलन और तवा। हाँ, ये चीजें रखने के लिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइजर मंगाया था, क्योंकि मैं इतने दिन जो होता था ना तवा, उसको गैस के नीचे रखती थी, बेलन को फर्नीचर के अंदर रखती थी और चकला जो रहता था वो भी कभी इधर कभी उधर रहता था। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर मंगा देती हूँ ताकि सारी चीजें जो है वो एक साथ में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसमें ये देखो 3 कंपार्टमेंट बने हुए, यहाँ पर चकला रहेगा, सॉरी तवा रहेगा, यहाँ पे चकला और यहाँ पर ये बेलन रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सबकी जो रेट रहेगी वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी और बाकी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी जिसकी बहुत अच्छी है, ये जिसका स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील का है, ठीक है, पूरा ही स्टील का है और स्टील जो है वो बिल्कुल एकदम हल्का नहीं है, अच्छा वजन वाला है। और अच्छा, जब मैं परचेज कर रही थी ना सारी की सारी चीजें, तो नीचे होता है ना कि अच्छा सारी चीजें मैंने मंगाई मीशो से, वो मैंने अभी तक बोला नहीं है, मैंने सभी चीजें मीशो से मंगाई है। तो मीशो के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, तो जो कस्टमर मंगाते हैं तो उनके जो रिव्यूज रहते हैं ना वो सारे नीचे आते हैं। तो जितनी भी चीजें मंगाई है इनके रिव्यू बहुत ही अच्छे थे, रेटिंग पूरी उनकी 4 या 4 से भी ऊपर थी। तो वही चीजें मैंने मंगाई है, ठीक है। तो पहला ये प्रोडक्ट, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका स्टील काफी अच्छा और हेवी है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइट वेट वाला नहीं है। तो चलिए पहला प्रोडक्ट मेरा ये वाला हो गया, उसके बाद में फिर ये दूसरा वाला ही खोलते हैं। और ये वाला पार्सल जब मुझे रिसीव हुआ था ना, तो मैं सही में इतनी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा ये पार्सल था और उसमें बिल्कुल भी वजन नहीं था। तो मुझे लगा कि कहीं मीशो ने मुझे पॉपर तो नहीं बना दिया, एकदम खाली तो नहीं है। और पता है जब ये पार्सल मुझे मिला था ना, तो ये एक तरफ से ऐसा खुला भी था, तो मुझे लगा कि हो सकता है इसमें से जो प्रोडक्ट है ना वो गायब हो गया है। लेकिन जब इसको मैंने थोड़ा सा खोल के देखा तो फिर पता चला कि खाली नहीं है, इसमें कुछ तो है। तो चलिए बताती हूँ ये। तो एक मैंने बास्केट मंगाई है, फ्रूट बास्केट मंगाई है। तो वैसे तो मेरे पास में बास्केट है, डाइनिंग टेबल पे पड़ी रहती है, आपने देखी भी होगी 2-2। लेकिन इसकी पता है क्या स्पेशलिटी है, ये इसके साथ में ये आई है जो नेट की पूरी कवरिंग होती है ना वो। तो एक बार मुझे ना एकाध बार कमेंट भी आ चुके हैं कि हम फ्रूट्स वगैरह रखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे वो छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, वो आके बैठते हैं, तो क्या करें। तो उसका ना ये वाला इलाज मुझे भी सही लगा, क्योंकि मैं भी फ्रूट्स को ऐसे ही रखती हूँ, तो कितना भी ध्यान रखो लेकिन है ना छोटे मोटे से मच्छर वगैरह होते हैं ना आके बैठ जाते हैं। तो ये वाला मैंने एकदम बड़ी साइज वाला मंगाया है और ये पूरी ना नेट से कवर हो जाएगी। तो फिर है ना कभी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी, कल के वीडियो में सभी चीजों को ना किस तरीके से मैं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि आज अगर एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगी ना यूज करके, तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से,
ये, और ये भी बड़ी साइज है, तो अच्छे खासे फ्रूट जो है ना वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऊपर की तरफ से कवर है, लेकिन ये पूरी जाली को ना कवर करता है ये इस तरीके से। ये तो बहुत क्यूट सी है ना, और कलर जो है वो भी मैंने लाइट मंगाया, क्योंकि मुझे ना डार्क कलर अच्छे नहीं लगते। इसमें दो तीन कलर थे, और भी कलर थे, ब्लू कलर था, पिंक कलर था, बट मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा था। तो ये अच्छी बड़ी साइज की है, तो अब जो फ्रूट्स है ना वो मेरे इसी के अंदर रहेंगे, और उसके ऊपर मच्छर मक्खी कुछ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे चीजें मिली, बहुत दिन से मैं कार्ट में डाल रही थी, और फिर फाइनली सोचा कि अब मंगा देते हैं। और बीच में भी ये सेल भी चल रही थी ना, उस सेल के टाइम पे मैंने मंगाई थी, मीशो की जो महा बचत सेल चल रही थी ना उस टाइम पे मैंने ये सब चीजें मंगाई थी, और लेकिन मुझे रिसीव जो थी वो बाद में हुई है। तो अब पता नहीं उनकी रेटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई होगी, तो मुझे नहीं पता। देखिए बहुत प्यारी सी मैंने साड़ी मंगाई है, दो साड़ी मंगाई है, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, बहुत ही अच्छी साड़ी है, देखना जरूर। फिर उसके बाद में थर्ड अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये वाला, ये मैंने एक मसालेदानी मंगाई है, प्लास्टिक की है, बहुत ही क्यूट सी है, छोटी मतलब बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है। ये मैंने किसके लिए मंगाई वो आपको बताती हूँ। पहले ये देखो पूरा ये ऐसा कलर है, वुडन जैसा कलर है, दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है, और पूरी प्लास्टिक की है वाली, तो खैर, और प्लास्टिक जो है वो भी अच्छा है, मतलब ठीक है, अच्छा है प्लास्टिक, वो ज्यादा अपन खराब नहीं कह सकते। और ये तो मुझे इतना कम रेट में मिला ना, स्क्रीन पर आपको उसकी रेट दिख रही होगी, इतने कम रेट में मिला तो मैंने तो ले ही लिया। तो इसमें कितने सारे बने हुए हैं ये कंपार्टमेंट, 1 2 3 4 5 6 6 बने हुए हैं। तो ये मैंने मंगाए थे जो मेरे गरम मसाले होते हैं ना, वो मैंने ना, अगर आपने देखा होगा जब मैं चाय का मसाला बनाती हूँ कुछ भी ना, तो एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा है, उसके अंदर मैंने सारी की सारी थैलियां एक साथ में डाल रखी है। होता क्या है, जब कभी किसी दाल को तड़का लगाना है, मुझे खाली काली मिर्च चाहिए, या फिर कभी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो मुझे इलायची काली मिर्च चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस एक डब्बे में से सारी थैलियों को निकाल के मुझे ढूंढना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि काम करते इस तरीके का ये स्पाइस बॉक्स मंगाती हूँ, और जो चीजें मेरे अक्सर काम में आती है ड्राई, ये गर्म मसाले ना, वो इसके अंदर भर के और रख दूंगी, ताकि एक ही बॉक्स में मुझे सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे पसंद आई है, तो जो अच्छी नहीं लगेगी वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी अब तक तो जो मैंने तीन चीजें आपको बताई है तो अकॉर्डिंग टू रेट एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में क्या ये भी हो गया, हाँ, अब उसके बाद में मैंने मंगाई है दो बेडशीट, हाँ जी बेडशीट। तो मेरी जो घर की जो बेडशीट होती है वो आप लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन ये जो बेडशीट है इनके मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये हमारी शॉप की, और वहां पर अभी हाल फिलहाल में ऑनलाइन का कोई भी काम नहीं होता है, ऑफलाइन जो भी होते हैं ऑफलाइन ही काम होता है, ऑनलाइन नहीं होता। जब होगा तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो फिर मुझे पता है इंस्टाग्राम पर भी कमेंट्स आए थे कि आप है ना ऑनलाइन चीजें मंगाओ, और अगर अच्छी लगती है आपको पसंद आती है तो आपकी जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है, तो हम लोगों के साथ शेयर करना, तो फिर हम लोग भी मंगाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ट्रायल के लिए मंगा के देखते हैं। तो मैंने दो बेडशीट मंगाई है, तो खोल के बताती हूँ। दोनों ही बेडशीट जो है वो फिटेड वाली है, क्योंकि मैं फिटेड वाली बेडशीट ही पसंद करती हूँ, मुझे वो जो सिंपल आती है ना। तो ये वाली है, ये मैंने अभी ओपन करके नहीं देखी थी, अभी ओपन कर रही हूँ। तो इनकी जो साइज उसके ऊपर लिखी थी ना, वो लिखी थी 75 by 75, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो ये पीलो जो है ना वो मेरे इसके ऊपर तो नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे ये बेडरूम के, ये वाले बेडरूम के जो पीलो है ना ये तो काफी बड़े हैं ये, तो मैं इस पर लगा के देखूं। उसके ऊपर ना किंग साइज लिखा था, बट ये किंग साइज नहीं है, ये क्वीन साइज ही है, क्योंकि इसके जो पीलो कवर होते हैं ना उनसे पता चल जाता है, जो किंग साइज होता है ना उनके पीलो कवर बहुत बड़े आते हैं, तो ये है ना शायद से थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है। और कपड़े की बात करें ना तो कपड़ा अच्छा है इसका, कपड़ा बहुत अच्छा है, मोटा कपड़ा एकदम बढ़िया कपड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टिचिंग भी इसकी अच्छी है, तो स्टिचिंग जो है वो भी काफी अच्छी है, कपड़ा इसका मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और कलर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना, ठीक है। तो दो इसके साथ में ये पीलो कवर आए हैं और बेडशीट ये अच्छी है, बेडशीट काफी अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कई है ना जिस हिसाब से उसकी रेट थी ना इतनी कम रेट, क्योंकि ये जो मेरे पास जो बेडशीट होती है ना ये सारी मतलब स्लिपवेल की है, नहीं तो डी डेकोर की है, तो जो होती है ये वाली बेडशीट है तो ये थोड़ी कॉस्टली आती है, लेकिन जिस रेट में मतलब मैंने ये वाली बेडशीट मंगाई है ना, तो उस रेट के अकॉर्डिंग तो माइंड ब्लोइंग, पूरा मैं इसको ना 5 स्टार देने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है। ये देखिए पूरी ना बना के रखा हुआ है, ये फिटेड बेडशीट है, कलर बहुत ही प्यारा है, और ये मैंने ना बच्चों के लिए रूम के लिए मंगाई है, बच्चों के रूम का जो फर्नीचर बना हुआ ना, ये स्टडी टेबल जो बना हुआ है वो येलो कलर और साथ में जो होता है ना कौन सा एक्वा ब्लू कलर का बना हुआ है,
मुझे लगा कि ये रूम उस बच्चों के रूम के लिए ये वाला कलर जो रहेगा ना वो परफेक्ट रहेगा। तो ये वाली बेडशीट मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, तो अब इसको मैं लगा के आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। जितनी भी चीजें मैंने बोली ना आपको, मतलब जितनी भी चीजें शेयर कर रही हूँ, इन सबको किस तरीके से यूज करने वाली हूँ और कैसी कैसी है, वो सब कुछ आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। तो ये बेडशीट हो गई है, और उसके बाद में एक और बेडशीट मैंने मंगाई है। तो ये भी मैंने ना बच्चों के, वैसे इसके पर किंग साइज लिखा हुआ है, तो मेरा ये वाला जो बेड है ना ये 6x6 का है, और 6x6 का जो बेड होता है उसको किंग साइज कहते हैं, और 5x6 का जो बेड होता है ना उसको 5x6 वाले को क्वीन साइज कहते हैं। तो इसके पर लिखा किंग साइज था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, अगर इस बेड को आया तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों वाले रूम के अंदर तो आ ही जाएगा। तो इसका जो कलर है ये भी काफी ज्यादा प्यारा है, और बेडशीट भी बहुत सुंदर आई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड मैं आपको बोल रही हूँ, मतलब जो भी है वो रिव्यू आपको जेन्यून दे रही हूँ। तो ये देखो ये वाली जो है ना ये इस वाले रूम में आ जाएगी, इसको मुझे देखना पड़ेगा, पीलो कवर से पता चल जाता है कि बेडशीट जो है वो आएगी कि नहीं आएगी। ये इस वाले रूम में आ जाएगी, और ये वाला तो परफेक्ट हो गया, ये वाला इसके, तो वैसे दोनों ही बेडशीट मैंने बच्चों के लिए रूम के लिए मंगाई थी, लेकिन अब एक मेरे रूम में हो जाएगी और एक बच्चों वाले रूम में हो जाएगी। तो फैब्रिक की बात करो तो इसका भी फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, कलर बहुत अच्छा है, और जो इसकी स्टिचिंग की जो क्वालिटी बोलो ना तो क्वालिटी काफी अच्छी है, कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई धागा निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कलर तो आप देख ही सकते हो कि कलर अपने आप में बहुत ही सुंदर है। खैर ये वाला बच्चों के रूम में चला जाता ना तब भी अच्छा था, क्योंकि बच्चों के रूम में ये और ये इस दो कॉम्बिनेशन में ये बना हुआ है, स्टडी टेबल बना हुआ है और बाकी जो फर्नीचर बना हुआ है वो इस वाले कलर का है, तो अच्छा खासा मैच हो जाता, बट देखते हैं लगा के देखूंगी तब फिर आपके साथ में अच्छे से और भी बता पाऊंगी। तो ये दो तो पिलो कवर है, और अब बेडशीट की बात करें, बेडशीट की हाँ तो इसकी साइज मुझे बड़ी लग रही है, ये मेरे ही रूम में आएगा ये, हाँ अच्छा है कपड़ा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका, ये एकदम कॉटन लग रहा है, पर अब पता नहीं वॉश करने के बाद में क्या होगा, लेकिन ठीक है रेट वाइज तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए ये दो बेडशीट मंगाई है मैंने, और उसके बाद में हाँ उसके बाद में मैंने ये एक फ्लावर्स कि जो रहती है ना ये मंगाई है, ये वाला है, ये मैंने मंगाए हैं। हाँ सब देखेंगे, अभी पता नहीं बहुत सारी चीजें सोची हुई है, अभी नहीं बताती हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज करने वाली, दो तीन चीजें सोच के रखी है, देखते हैं कि ये कहाँ पर जाकर फिट होती है, अभी आपस में ना फंसी हुई है ये मुझे अच्छे से निकालनी पड़ेगी। तो इसके अंदर है ना कितनी सारी आई है, ये 1, 2, 3 और 4 चार पीस इसके अंदर। अब इसको मैं ना अलग करने की कोशिश करूंगी ना तो ये टूट नहीं जाए, ये इस तरीके से ना हैंग कर सकते हैं इसको, ये फोल्डेबल होती है, यहां से फोल्ड करके और इसको कहीं पर भी हैंग करना है ना इसको हैंग कर सकते हैं, चाहे बालकनी में करो, किसी रूम में करो, किसी विंडो के यहाँ पे करो। और कलर तो इसका बहुत ही अच्छा, जैसा दिख रहा था स्क्रीन पर ना पिंक पिंक कलर, बिल्कुल वैसे ही कलर है, कोई 19-20 भी नहीं कलर, इवन मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पे जो मुझे दिख रहा था ना मोबाइल में उससे भी ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है, तो ये भी काफी अच्छा लगा मुझे। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रद्धा सभी चीजों के लिए अच्छा ही बोल रही है, तो मैं चाह रही थी कि चीजें जैसी मैंने सोची है वैसी मुझे मिले, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने कार्ट में डाली थी ना तो उसके मैंने रिव्यूज पढ़े थे, और जितनी अच्छे रिव्यू थे, मतलब कोई, मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि नेगेटिव कमेंट उनको मिले थे प्रोडक्ट को, वही चीजें मैंने मंगाई है, क्योंकि मैं काफी दिन से, मतलब जब सेल लगी थी ना उसके पहले से ही मैं चीजें कार्ट में डाल रही थी। तो ये हो गया, और अब हाँ अब बारी आती है हम लेडीज की सबसे पसंदीदा चीजों की। तो दो तो मैंने मंगाई है साड़ी, और साथ में ये एक ज्वेलरी सेट भी मैंने मंगाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना साड़ी बता देती हूँ, तो ये वाली जो साड़ी है ना ये अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आप देखते में पहचान जाएंगे कि ये वाली जो साड़ी है ना इंस्टाग्राम पर कितना ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तो मैं तो इंस्टाग्राम पर हूँ, अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो साड़ी का कलर देखते में ही किसके मुंह से ऐसा निकला वो मुझे जरूर बताना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की साड़ी है, डबल शेड वाली साड़ी है ये, नीचे की तरफ वॉयलेट कलर है और ऊपर की तरफ पिंक कलर है, और इसका जो फैब्रिक है ना फैब्रिक वो जॉर्जेट का है, और
पूरा क्रश वाला फैब्रिक है ये। तो इंस्टाग्राम पर तो अगर आपने देखा होगा तो आप पहचान ही गए होंगे, इसमें फंस रही है। और रेट वाइज अगर इस साड़ी की बात करें ना, तो रेट वाइज तो सही में बहुत अच्छी, क्योंकि ये साड़ी तो मैंने ओपन करके देख ली थी, इसलिए मैं आपको इसका ना रिव्यू अभी से दे देती हूँ कि ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये इसका ब्लाउज है, ये ब्लाउज है ना वो भी पूरा भरा हुआ है, ये एक तरफ फ्रंट पार्ट, ये आगे का पार्ट है शायद से, और ये पूरा बैक पार्ट है, दोनों के सेम है, कैसे भी सिला सकते हो। तो जो ब्लाउज है ना ये कितना है, ये मुझे ना दिखा है शायद 80 सेंटीमीटर, 80 या 85 सेंटीमीटर का है। तो मेरे जो ब्लाउज बनते हैं वो 85 सेंटीमीटर में बन जाते हैं, तो मुझे तो खैर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई हैवी ड्यूटी वाली लेडीज हैं तो फिर उनमें हो सकता है कि उनको फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो खरीदना पड़े, ठीक है। बाकी तो अगर मेरे जैसी अगर हेल्थ है तो उनको तो ये वाला ब्लाउज आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ब्लाउज की, और अब साड़ी की लेंथ की बात करें ना तो मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। इसी तरीके से टेलर लोग मेजर करते हैं ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 5, 6, शायद गिनने में कुछ हुई, 6 मीटर की है साड़ी। एक मिनट फिर से गिनती हूँ, खड़े होके करती हूँ, ऐसे गिनते हैं ना, 1 मीटर, एक्चुअली इसमें क्रश है ना तो वो खींच रहा है इसकी वजह से लग रहा होगा, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर मतलब ये साड़ी बता रहा है, और ब्लाउज अलग से है, ठीक है। तो साड़ी बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही सुंदर, कलर इतना प्यारा है, ये देखो आजकल वैसे भी ये वाला जो कलर है ना वॉयलेट कलर, ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, और दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप लोग मुझे बताना कि ये साड़ी जो है वो कैसी लगी, और रेट तो आपको स्क्रीन पे दिख ही गई होगी। तो ये तो एक तो ये वाली साड़ी मैंने मंगाई है, अब ये देखूंगी, आप लोग बताना दिवाली के दिन पहनू कि नहीं पहनू इस साड़ी को। इसका ब्लाउज वगैरह तो मैं स्टिच करवा दूंगी, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है, बहुत ही ज्यादा। और इस बार सोच रही हूँ कि ब्लाउज जो है ना वो पूरा फुल स्लीव्स वाला, मैं इतनी स्लीव्स पहनती हूँ 3/4, इस बार सोच रही हूँ कि लंबी आस्तीन वाला ब्लाउज सिलवाऊं। तो आप लोग मुझे बताना, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे देना कि इसके ऊपर फुल स्लीव्स अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, और साड़ी जो है वो आपको कैसी लगी। मुझे तो खैर बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। उसके बाद में ये वाली साड़ी जो है इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, फिर इसकी रेट भी कम है। तो मीशो पे मैंने ये चीज देखी, अगर आप है ना कम पैसों में आप बहुत अच्छी चीजों की अगर वो सोचोगे ना कि हमको बहुत बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीज चाहिए तो थोड़ा बहुत तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा आपको, और 200 में सोचोगे कि आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी मिल जाए, बिल्कुल मॉल वाली चीजें मिल जाए या फिर आपको बुटीक वाली चीजें मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली साड़ी, ये वाली तो ये है ना पूरी टिश्यू वाली साड़ी है ये। इसके साथ का जो ब्लाउज है ना ये इस तरीके का ब्लाउज है, ये सिंपल सा जो ब्लाउज होता है बस वही है, इसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं है। तो रेट के अकॉर्डिंग साड़ी है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि रेट इतनी है तो साड़ी बहुत ही ज्यादा ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। मैं पहले इसकी लेंथ देख लेती हूँ कि लेंथ तो कम नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, तो पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, तो लेंथ तो कम नहीं है। साड़ी की लेंथ है ना परफेक्ट होनी चाहिए, साड़ी की लेंथ जो होती है ना वो अगर कम होती है तो फिर साड़ी का मजा नहीं आता है। तो पूरी ही जो साड़ी है ये टिश्यू की एकदम सॉफ्ट टिश्यू है, फूला फूला रहेगा वैसा टिश्यू नहीं है, और बाकी पूरी साड़ी के ऊपर सिक्वेंस की ऐसी लाइनिंग दी हुई है, और बॉटम जो है ना बॉटम पे ना इस तरीके का कट वर्क है, ये पूरा सिक्वेंस का वर्क है और कट वर्क है। तो खैर अच्छी लग रही है साड़ी, रेट वाइज तो मुझे अच्छी लग रही है साड़ी, तो इसको भी मैं रिटर्न करने वाली नहीं हूँ। पहले जब आई थी ना तब मैंने ओपन करके नहीं देखी थी, मैंने खाली ऐसे ही थैली में से खोल के देख ली थी, तो मैं सोच रही थी आगे पीछे हो रही थी कि क्या करूँ, रखूँ या फिर से रिटर्न कर दूँ, लेकिन नहीं, अभी आज तो मुझे ये साड़ी जो है ना अच्छी लग रही है। और इसका ना मुझे ब्लाउज स्टिच कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास में कॉफी कलर का बहुत ही प्यारा सिक्वेंस वाला ब्लाउज ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट मैच होगा, जैसा ये साड़ी के ऊपर वर्क है ना बिल्कुल सिक्वेंस के वर्क वाला रेडीमेड ब्लाउज पड़ा है, तो वो इसके साथ में परफेक्ट मैच हो जाएगा, तो मुझे ब्लाउज स्टिच कराने की जरूरत नहीं है। और फिर बाकी आप लोग बताना ये जो साड़ी है वो कैसी लगी आप लोगों को।
तो ये तो हो गई साड़ी की। और लास्ट में अब आते हैं ज्वेलरी, जो कि हमारी सबसे फेवरेट चीज होती है, जितनी भी हो कम ही लगती है। तो अच्छी खासी ये देखो ऐसे 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 करके पैकिंग में आई है, और अंदर तो एक छोटू सा पार्सल है। तो ये मैं आपको ना पास से बताती हूँ, दूर से आपको पता नहीं चलेगा ज्वेलरी का। तो ये सेट जो है ना वो कुछ इस तरीके का है, तो बहुत ही प्यारा है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। देखो तो पूरा पर्ल का वर्क किया हुआ है, और बीच बीच में ये कुंदन जो है ना वो लगे हुए। तो मुझे पर्ल और कुंदन की ज्वेलरी ही ज्यादा पसंद आती है, और कलर जो है वो बिल्कुल इसका डार्क ब्लू कलर है, तो काफी ज्यादा मुझे तो पसंद आया। और इसके साथ में आए हैं इयररिंग, ये वाले तो इयररिंग जो है ना वो भी बड़े ही सुंदर है, ये कलर का है, और बीच में ये देखो कुंदन लगे हुए हैं और पर्ल है। तो इसकी जो क्वालिटी है सेट की ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही मुझे तो, और एकदम लाइट वेट है, एकदम हेवी नहीं है। तो ये है साथ में इयररिंग, ठीक है। तब आप लोगों को ये सेट कैसा लग रहा है? मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आया है, और इसको भी मैं रिटर्न करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, सो ये तो हो गई मेरी सारी की सारी फेस्टिवल शॉपिंग, मतलब पूरी ही शॉपिंग समझ लो हो गई है। और अब बाकी बच्चों बच्चों के मंगाने कपड़े तो वो देखूंगी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी मुझे रहेगा, तो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करती रहूंगी, ठीक है। और बाकी साड़ी तो खैर मुझे ये दोनों ही अच्छी लग रही है, ये वाली तो खैर है ही है क्योंकि इसकी रेट इससे थोड़ी सी ज्यादा है, और बाकी ये वाली साड़ी जो है ये भी मुझे अच्छी लग रही है। तो सारी की सारी शॉपिंग हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जितनी भी शॉपिंग है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, ताकि किसी को भी इस तरीके की शॉपिंग करनी है तो थोड़ी सी उनको हेल्प मिल जाएगी मेरे वीडियोस के थ्रू। और बाकी आपको अगर कुछ भी मंगाना है इनमें से, तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड बोलूंगी, कोई भी चीज अब इसमें से कोई ऐसी चीज मुझे नहीं मिली है कि जो रेट ज्यादा हो और उसकी जो क्वालिटी है ना वो बेकार हो। अकॉर्डिंग टू रेट बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, तो आप लोग परचेज कर सकते हो, और सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और रेट आपको स्क्रीन पर भी देखी गई होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस कमेंट्स करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।